फ्रेंड्स की हाल चाल ने जी इनी ठंडी ठंडी ठंड दे विच जी तुहाडा निघा स्वागत करदी हां मैं प्रभजोत तुहाडे अपने शो दे विच जिस दा नाम है जी सैर पंजाब दी। ते अज एक बार फिर जी अपनी बची हुई सैर लैके बटाला शहर दी मैं हाजिर हो गई हां जी। पर सब तो पहला आपां एक झात मारदे हां बटाला शहर दे इतिहास दे रीकैप ते। बटाला शहर की होंद सन 1465 ईस्वी विच पट्टी राजपूत राजा राम दे द्वारा की गई। ए जागीर बहलोल लोधी दे समय लाहौर दे गवर्नर ततार खां वलों दित्ती गई। मुगल काल विच अकबर ने इस नूं जागीर वजों अपने धर्म दे भरा शमशेर खां नूं दित्ती। बटाला शहर दा विकास इसे समय विच होया। इतिहास पक्षों बटाला शहर अमृतसर तों 109 साल पुराना शहर है। सन 1947 भारत पाक वंड समय बटाला नूं पाकिस्तान दा हिस्सा बनाया गया, पर बाद विच ए महसूस कीता गया कि अमृतसर शहर इस नाल दो दिशावां तो घेरिया जा सकता है। सो इस दा हल करन लई ब्रिटिश सरकार नाल गलबात करके इस नूं दोबारा भारत विच लिआंदा गया। इस तरह तकरीबन 3 दिन बटाला पाकिस्तान दा हिस्सा रहा। बटाला शहर सिख श्रद्धालुआं लई भी एक अहम थां रखदा है। इसे शहर विच सिख धर्म दे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी दा व्याह बीबी सुलखणी जी नाल होया। उन्हां दे व्याह कारज नाल संबंधित इस शहर विच अनेकां गुरुद्वारे ने। एक कथा अनुसार जिस वेले श्री गुरु नानक देव जी अपने व्याह वाले दिन एक मिट्टी दे कंध दे नाल बैठे गल्लां कर रहे सन, तां एक औरत ने आके उन्हां नूं दस्या कि एह कंध उन्हां उपर डिग पएगी। तां गुरु जी मुस्कुरा पए अते कहा कि सदियां तक एह कंध नहीं डिगेगी। ओह कंध अज भी उसे तरह स्थापित है अते गुरुद्वारा कंध साहिब दे नाम नाल प्रसिद्ध है। सो दोस्तों मैं तुहानू जी जाणू कराया बटाला शहर दे इतिहासिक पक्ष दे नाल, बट एक होर भी बटाला शहर दा एक इंपोर्टेंट आस्पेक्ट है जिहड़ा मैं तुहानू दसण जा रही हां जी। बटाला शहर उस महान कवि दा शहर है जी, उस महान शायर दा शहर है जिस नूं बिरहा दा सुल्तान कहा जांदा है। जी हाँ दोस्तों, मैं गल कर रही हाँ जी महान कवि महान शख्सियत दी शिव कुमार बटालवी जी दी। ते इस वक्त मैं तुहानू जिथे लैके जा रही हाँ ना, ओ जी है शिव कुमार बटालवी जी दा जद्दी घर। आ जाओ फिर चलते हैं जी। बिरहा दा सुल्तान शिव कुमार बटालवी। एक तारा चमकिया आसमान दी हिक्के, इवें कि उसनू बस देखते ही रहो, इवें कि उस नाल टुरदे चलो, इवें कि उसकी चमक नू बस माणते ही रहो। ते एक दिन वो अंबरों इस धरती ते उतर आया, ते बाकी तारियां तो विछड़न दा दुख वो दर्द, ते जल्दी तो जल्दी मुड़ उन्हां नू जा मिलन की इच्छा रखदा वो अपना सफर करता गया। इकला बेबस ते किसे साथी दी उड़ीक विच उसका बिरहा राग किवें लफजा दा रूप लैके कागज ते उतर गया। ए बिरहा ही उसका साथी बनया ते ओ इस बिरहा दा सुल्तान शिव कुमार बटालवी। की पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। शिव बटालवी दियां रचनावां बिरहा च गुड़ोच ने। दर्द नूं बटालवी ने हंडाया, समझिया ते फिर जिस असरदार शैली विच बयान कीता ओ सुन के बिरहा भी सोहणी लगन लग पैंदी है। हिजर दी स्याह रात भी दिन दे चानण वर्गी लगती है। महज 35 साल की उम्र विच सन 1973 विच ए तारा अपने विछड़े साथियों नूं जा मिलिया। आसमान जही असीम कल्पना वाला ए शायर, एदे गीत, एदियां नज़मां, एदा कम अज भी जिंदा है ते हमेशा हमेशा लई जिंदा रहेगा।
दिल थाम के बैठे जी क्योंकि मैं तुहानू लै आई हाँ जी बटाला शहर की सैर करते करते बटाला शहर के फेमस ज्वेलरी हाउस जिसका नाम है जी लुथरा ज्वेलरी हाउस जिथे कि मैं तुहानू दिलवाण वाली हाँ जी ब्यूटीफुल ज्वेलरी रीजनेबल प्राइस के विच ते बहुत ही वधिया मतलब डिजाइनिंग दे विच ते आ जाओ जी मैं तुहानू लै चलदी हाँ अंदर ते शॉपिंग करते हैं खूब सारी ते मैं तुहानू करावांगी जी लुथरा ज्वेलर हाउस की सैर मेरे नाल मेरे सामने पाए हुए ने जी गोल्ड दे शानदार ब्यूटीफुल नेकलेसेस मैं तुहानू दिखा जा रही हाँ जी ए जी कुंदन दे सेट वाओ लुक बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग की हुई है की कहने जी की कहने बे इतने तो ज्वेलरी ज्वेलरी माहौल होया पिया है तो मैं हूँ एक होर पोल इतने कुंदन का सैट पिया होया है देखो जरा बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग है जी फोक डिजाइनिंग है विद रूबी है जी हले तो होर भी बहुत कुछ पिया है तुम दिखाने के लिए आज मैं तुम दिखानी हाँ जी होर भी मैं तुम करवानी हाँ लुथरा ज्वेलर हाउस की सैर पूरी ज्वेलरी दिखाने तो बाद जी मैं इतने दे ना कुछ कस्टमर नजर आ रहे हैं मैं जरा तफ्तीश करनी है जी लुथरा ज्वेलर हाउस की कस्टमर इतने की ज्वेलरी किदा की लगती आ जाओ फिर उन्होंने को चलते हैं सो फ्रेंड्स मेरे नाल मौजूद है जी लुथरा ज्वेलर हाउस स्पेशल कस्टमर मिसेस सुजीत कौर जी हेलो मैम हेलो सत श्री अकाल जी किस शहर तो आए हो जी तो बटाले पिंड तो आए करवालियां तो आए अच्छा जी पहले सब तो पहला मैम मैं ये दसो कि मेरा जो सैट पाया है किदा लग रहा है बहुत सोहना सैट तुहाडा इसके नाल दा मैं भी इन्हां कोलों लुथरा ज्वेलर वाले कोल बनवाया सोनू कोलों की खास गल लगती इत्थे दी ज्वेलरी खास इन्हां दा एक ते गोल्ड बहुत वधिया एक जदों मर्जी चेंज कर लो इन्हें कभी यह नहीं आखना पिया इंजा मेरा नहीं बनया वो नहीं बनया इन्हें बिल्कुल मतलब जिस तरह मैं कहना उसे तरह ही ना कर जी मैं इतने 12 साल तो आ रही हूँ हाँ जी लास्ट ईयर मैं अपने बेटे की शादी लिए ज्वेलरी इतों खरीदी सी डायमंड दी जड़ाऊ और जो भी बैंगल्स वगैरह हर चीज़ मैं इतों बाय कर रही हूँ हूँ मेरी बेटी की शादी है और मैं वो भी ज्वेलरी इतों लवानगी एंड आई हैव फुल ट्रस्ट इन दिस शॉप बिकॉज दे हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ गोल्ड एज वेल एज वेरी गुड डिजाइन सो आई लाइक इट वेरी मच स्टाफ की सर्विस बड़ी अच्छी है कस्टमर नाल इन्हां दी जो डीलिंग्स है वो बहुत सिंसियरली एडवाइज करते इन्हां दी जिहड़ी डीलिंग है बहुत ही वधिया है चाहे इन्हां को 10 वारी भी चीज़ नूं वापस करन वास्ते आ जाओ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਡ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਕੱਢ 15-20 ਤੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲਡ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਤੋਂ। ਲੁਥਰਾ ਜਵੈਲਰ ਹਾਊਸ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਫਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੁਥਰਾ ਜਵੈਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਫਿਰ। अच्छे डिजाइन प्रोवाइड करवाइए। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल है, सर्टिफाइड डायमंड्स ने, प्लैटिनम, कुछ चीज़ें ने जड़िया साढ़े एरिया च नहीं मिल रही हैं सर, वो सारा प्रोवाइड कराने की कोशिश। वैसे बटाला शहर के विच तुहाडा ये लुथरा ज्वेलरी हाउस कदों एस्टैब्लिश होया सर? ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। अच्छा, 50 साल तो मतलब ये बिजनेस ने विच हो। मेरे दादा जी दे टाइम तो एस्टैब्लिश है, उस तो बाद पापा ने कीता, उस तो बाद उन्होंने सानू दित्ता कि तुसी काम करो, मतलब पीढ़ी दर ये बिजनेस चल रहा है। असीं कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तो अच्छा प्रोवाइड कराइए डिजाइनिंग, और सब तो वड्डी गल है प्योरिटी, गोल्ड की प्योरिटी सब तो मेन है। वो साडा सारा 916 हॉलमार्क है, अगर 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी है वो भी हॉलमार्क है सारा। डायमंड सारे सर्टिफाइड ने, तो कस्टमर्स नू बायबैक सही मिलती है। कल कोई एक्सचेंज करना आंदा या कैशबैक लेना आंदा, उन्होंने कोई परेशानी नहीं आती, कोशिश करी दी जिस तरह असीं उन्होंने दिता है उस तरह वापस ले आ जाए। जी मैं गल करा जी 50 साल की, तो हूँ के टाइम की तुसीं अंतर करोगे? हूँ काफ़ी फर्क आ गया, उदो अवेयरनेस नहीं सी डिजाइनिंग बारे, कस्टमर सिर्फ एक गोल्ड लैके अंदर रखने प्रेफर करते। हाँ, लेकिन अज का डेट है को कुछ भी कोई फंक्शन आता है, लोग अपने ड्रेसिस के नाल मैचिंग करते हैं, सूट वगैरह के नाल मैचिंग, साड़ीज नाल, लहंगाज, वैडिंग ज्वेलरी के नाल, इस कलर के स्टोनस लगा के दो, मैं लहंगा डालना ये नाल दा, इस स्टोन चाहिए, मतलब काफ़ी फर्क है डिजाइनिंग दा और क्वालिटी दा भी। अगर सब कस्टमर्स तो जी तुहाडी डीलिंग बारे बहुत तारीफा सुनिया है, की कहना चाहोगे? साडा स्टाफ बहुत अच्छा है, हर एक नू स्टाफ ते सारे लड़कियां नू यही समझाया जाता है कि कस्टमर्स कुछ भी कहते हैं उन्होंने गल पूरी, मतलब खरी उतर, हाँ खरे उतरना है, और रीजनेबल फिक्स प्राइस है, कुछ बार्गेनिंग नहीं है, जो भी होंगे सब पक्के तरीके। इतने की ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत है, कितों तुम कलैक्ट करते हो सारे डिजाइन? पोजिशन है साढ़े ना ज्वेलरी शो लगते रहते थोड़ी थोड़ी देर बाद, ना पिछले IIJS मुंबई लगता है, उस तो बाद प्रगति मैदान दिल्ली, लुधियाना, मतलब अलग अलग जगह पर एग्जीबिशन लगती हैं। यस, तो उत्थे जाके असं अच्छे अच्छे डिजाइन लग के लिया कस्टमर लिए, और वरायटी चेंज करते रहिए, तो कस्टमर का रुझू भी रहा है गोल्ड खरीदने बारे। इस तो इलावा सर तुसी की सर्विसेज प्रोवाइड कराने हो कस्टमर्स? बस इस तो इलावा यह कि साढ़े बार NRI कस्टमरस बहुत ने, अच्छे अच्छे फैमिलीज ने, वो सानू नेट से साढ़े ऑर्डर डिजाइनस देख के सानू ऑर्डर कर देंगे, फिर असं उन्होंने प्रोवाइड करवा के दें बार। ओके, मतलब तुसी इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करते हो? ठीक है जी, अपने बिजनेस वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ सोचा हुआ है? अजे तो 7-8 महीने हुए इस शोरूम को बिल्कुल दोबारा इनू सारा रेनोवेट किया है। नैक्सट ईयर प्लैन है कि सैकेंड फ्लोर बनाया जाए, और कस्टमर्स नु होर अच्छी सहूलत दित्तियां जान, कुछ जड़िया कमी ने। यस यस, थैंक यू। ओके, ते कुछ कस्टमर्स नु कुछ संदेश देना चाहोगे जी? बस कस्टमर्स लिए हुई जिन्ना वो प्यार करते हैं साढ़े नाल, साड़ी यही कोशिश है कि उन्होंने प्यार के मुताबिक खरे उतरीए, उन्होंने गोल्ड की प्योरिटी अच्छी देिए, डिजाइनिंग अच्छी देिए, और वो सेवा का मौका सानू देंदे रहन। थैंक यू सो मच नीरज जी, बहुत चंगा लगा जी तुहाडा नाल गल करके। सो दोस्तों, ए सी जी लुथरा ज्वेलरी हाउस है ओनर मिस्टर नीरज लुथरा जी, जिन्हां नाल कीती आपां गलबात, उन्होंने दस्सिया जी इत्थे दी ज्वेलरी जिहड़ी है जी 100% सर्टिफाइड ज्वेलरी है, और प्योरिटी है जी इत्थे दी ज्वेलरी दे विच। ते इस दे नाल ही जी मैं हुण तुहानू लै के चलदी आ बटाला शहर की सैर करदे करदे अगले प्लेस ते। चलिए जी फिर। लो जी दोस्तों, बटाला शहर की सैर करते करते मैं आ पहुंची हाँ जी नई स्वीट शॉप रले की हट्टी के बाहर जी। बटाले शहर की ना फेमस स्वीट शॉप है जी, इसलिए मैं इतने आई हूँ जायका चखने के लिए, तो नाले मैं हूँ तुम्हें करा जी नई स्वीट शॉप की सैर, मेरे नाल आ जाओ।
मैं तुम दस दें जी, मैं तरह तरह दी इत्थे मिठाइया नज़र आ रही ने। इत्थे दी खासियत है जी, इत्थे दी सारियां जिहड़ियां मिठाइया ने प्योर देसी घिओ दे विच बनिया हुई ने। तो इस तों इलावा जी तुहानूं मतलब अलग अलग तरह दी इत्थे मिठाइया मिल जाणगियां। लज्जतदार जी, मतलब खुशबू आ रही है जी मिठाइया की। नैयर स्वीट शॉप की मिठाइया जी कि मैं तुम दसदा कि प्योर हाइजीनिक मिठाइया प्योर देसी घ्यो बनाई हुई ने। और मैं तुम दसदा जी नैयर स्वीट शॉप जी 1972 के बटाला शहर के इसकी ओपनिंग हुई सी, बहुत ही फेमस है जी यह नैयर स्वीट शॉप। तो मैं हूँ चखन जा रही हाँ जी इतने स्वीट्स का जायका, देखते हैं जी कि स्वीट्स ने। कलाकंद है प्योर मिल्क का टेस्ट आ रहा है जी। यही मतलब खासियत होंगी है जी हरेक मिठाइया के बच्चे, मतलब जिड़ी भी चीज़ के बनाई हुई है वो मिठास आए वो फ्लेवर आए। इस तो इलावा जी मेरे सामने पिया होया है जी ये चॉकलेट बर्फी है, पतीसा है जी, पिन्नी है, मूंग दाल की बर्फी खाने। क्या बात है, अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी है जी। तो इस नाल ही मैं सारिया मिठाइया खत्म कर दिया, तुम तब तक जो एक छोटा जहा ब्रेक मिलते हैं जी ब्रेक तो बाद। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। सो फ्रेंड्स, मेरे नाम मौजूद है जी नैयर स्वीट शॉप के ओनर मिस्टर राजन नैयर जी। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन मैम, बढ़िया, तुसी सुनाओ। बटाले शहर के बीच जी नैयर स्वीट शॉप का जी बहुत नाम सुनया है जी, कदों एस्टैब्लिश हुई सी? 1971 च मेरे फादर साहब ने कीती सी जी, उदों टी स्टॉल करके शुरू की थी। अज हौली हौली वक्त नाल नैयर स्वीट्स बन गई है, और बड़ा वधिया एक्सपीरियंस साडा। मैं ते पापा नूं आके 84 च जॉइन किया ही, मेरे फादर साहब से 1971 तो कर रहे ही। कस्टमर दा बहुत वधिया प्यार है, सानूं बहुत वधिया चल रहे हैं। वी ताडी स्वीट्स दे ना मतलब बहुत ही लोग जिहड़े है ओह फैन ने, की खास गल है? मेन सी साडा जी पहले पनीर पकौड़ा, इही पनीर जिहड़ा कच्चा दुद्ध बाजारों लैके पिंडां तों पापा मेरे आप जाके कलैक्ट करदे सी, उहदा पनीर बनाना, उहदा मिल्क बदाम बनाना। हुण ओह हौली हौली कम डाइवर्ट हो जांदा, ते हुण इह स्वीट्स वाले भी गए हैं। तो उस तरह ही उही मोटिव लैके भी दुध वधिया ही वरतना, और अच्छा वरतना, प्योर वरतना, इस करके समान नैचुरली अच्छा बनता जी। बेकरी भी है साढ़े को, थोड़ी बहुत जिनी क लोड होंगी है उन्ना क करते हैं। कुल्फी है, आइसक्रीम है, मटका कुल्फी, लच्छा कुल्फी, फलूदा गलासी, और आल काइंड ऑफ स्वीट्स आप इतने बनाने हैं। जो स्नैक्स भी है, आलू टिक्की, बर्गर, नूडल्स, पाव भाजी, स्प्रिंग रोल, तकरीबन करीदा भी जो कस्टमर मंगता है इसनु अवेलेबल कराइए। थैंक यू सो मच राजन जी। सो दोस्तों, ये सी जी नैयर स्वीट शॉप दे जी ओनर मिस्टर राजन नैयर जी, जिन्हां नाल कीती आपां गलबात। ते हुण आपां चलदे हां जो बटाला शहर दी सैर करदे करदे अगले वेन्यू ते। जिमें कि तुहानू पता है जी, घर नू खूबसूरत बनाउण दे लई जी बहुत सारियां चीज़ां की जरूरत होंदी है जी। तुहाडी उस जरूरत नू पूरा करन दे लई मैं तुहानू लै आई हां जी बटाले शहर दे विच स्वराज रेडियो कारपोरेशन दे बाहर जी, जिथे कि मैं तुहानू दिलवाण वाली हां जी हेवल्स एंड एलजी ब्रांड दे जी बहुत सारिया होम अपलायंसिस एंड किचन अपलायंसिस। आजो जी मैं तुहानू दिखानी हां जी इत्थे कि चीज़ां अवेलेबल है जिहड़ियां कि तुहाडी घर नू खूबसूरत बना सकदियां ने, ते नाल ही मैं तुहानू करानी है शोरूम दी सैर मेरे नाल। हेलो जी दोस्तों, मैं एंटर कर चुकी हाँ जी स्वराज रेडियो कारपोरेशन शोरूम के अंदर। तुम वेख सकते हो जी कितनी प्यारियां प्यारियां तुहाडे सामने जी LEDs ने जी, LG ब्रांड दियां LCDs, LEDs और बहुत सारी जी तुम वेख सकते हो जी वाटर हीटर्स पए हुए हैं, इस तो इलावा वाटर प्यूरीफायर पए हुए हैं जी RO, और बहुत बढ़िया जी घर नू टॉर बनाने दे विच जी तुहानू घर नू तुहाडे घर नू जी लग्जरी लुक देने दे लई जी बहुत यूज चाहदियां ने, बहुत काम चाहदियां ने। इस तो इलावा जी तुम वेख सकते हो तुहाडे सामने पेश है जी LG ब्रांड दियां वॉशिंग मशीन।
ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਹੋਮ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਰਾਜ ਰੇਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲੀਏ ਜੀ ਫਿਰ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਸਵਰਾਜ ਰੇਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਓਨਰ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਰ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨ ਸਰ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੇ ਲਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 1967 ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਐਕਚੁਲੀ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ LG ਨੂੰ LG ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਦਰੇਜ ਹੈ ਹੋਮ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈਵਲਸ ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਅਤੇ RO ਲਿਵ ਪਿਓਰ RO ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫਰਿੱਜ ਹੋ ਗਏ LEDs ਹੋ ਗਈ 3D LEDs ਹੋ ਗਈ RO ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਵਲ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ LG ਅਤੇ ਹੈਵਲਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੋਦਰੇਜ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਵਰਾਜ ਰੇਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਓਨਰ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਨਿਊ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਟਰਾਜ ਸਿਲਕ ਸਟੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਿਊਜ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਸਾਰੀਜ਼ ਲਹਿੰਗੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੀ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੈਰ ਨਟਰਾਜ ਸਿਲਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਟਰਾਜ ਸਿਲਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਫੈਬਰਿਕ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਜਰਕਨ ਹੀ ਜਰਕਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨਟਰਾਜ ਸਿਲਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਰਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸੂਟਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੈਜੂਅਲ ਸੂਟਸ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣਗੀ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਹਨ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਰੋਹਨ ਬੇਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜੀ ਕੇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕੇਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਹਨ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਸੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
सामने पेश है जी रोहन बेकरी का टेस्टी जायका। तो मेरे सामने पिया हुआ है जी इतने का स्पेशल केक, रोहन बेकरी स्पेशल वेज सैंडविच, वेज बर्गर, सम पेस्ट्रीज। तो आप देखते हैं हूँ इतने का जायका टेस्ट करके किदा है। सब तो पहले आप पेस्ट्री तो शुरू करते हैं। यमी, एग्जैक्टली यमी, बहुत ही प्यारा टेस्ट है जी और बिल्कुल लाइट शुगर है, वेरी टेस्टी। ये है जी चॉकलेट पेस्ट्री, इट्स माय फेवरेट। कमाल है, बहुत स्वाद, बहुत स्वाद। बहुत ही टेस्टी जायका है जी रोहन बेकरी का, जिन्ना सुनिया सी उस तो कितने भी वध के है जी ये इन्हां दी मतलब टेस्ट जो भी है, मतलब केक या पेस्ट्रीज या सैंडविच है। इस तो इलावा जी बहुत बहुत सारे आइटम्स हैं जी बेकरी में, लाइक तुसी इत्थे कन्फेक्शनरी दा बिस्किट्स वगैरह सारा कुछ इत्थे मतलब अवेलेबल है जी। इस तो बाद आप जाते हैं जी बटाले शहर की सैर करते करते अगले प्लेस, चलिए जी फिर। हाँ जी मेरे दोस्तों, कितना दी लगी जी बटाले शहर की सैर? आई होप तुसी बहुत इंजॉय किया होना, बट मेरा हुण घर जाने का हो गया समा। बट तुसी कितने नहीं जाना, मैं अगले हफ्ते तुहानू फिर मिलांगी एक नवे खूबसूरत शहर की सैर लैके। तद तक दे लई तुसी रखियो अपना ख्याल एंड कीप वॉचिंग सैर पंजाब दी। ते हुण तुहाडे लई है एक खुशखबरी, तुसी अपने फेवरेट शो सैर पंजाब दी दे एपिसोड्स ऑनलाइन भी वेख सकते हो जी। साडी वैबसाइट नोट कर लो, www.sairpanjabdi.com।